पॉलिटिकल ट्रेंड की तरफ से आप लोगों को अपना एक मैसेज देना चाहती हूँ। मेरा नाम मनु श्रीवास्तव है और मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना को लेकर के जो बहुत ही भयावह स्थिति बनी हुई है, लाखों लोगों की जान चली गई, हॉस्पिटल में जगह नहीं है और बहुत सारे लोग नेगेटिव थॉट्स देख करके, अगल बगल नेगेटिव चीज़ें देख करके या खुद में ही नेगेटिव थॉट्स ला करके इतने पैनिक हो गए हैं कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो खुद का या अपने फैमिली का कैसे ख्याल रखें। सो प्लीज़ स्टॉप दिस। मैं आप लोगों से ये बोलना चाह रही हूँ कि अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स लाइए और लोगों को वैक्सीन के बारे में बताइए, खुद भी सुरक्षित रहिए। और कई लोगों का शिकायत होता है कि वो घर में टाइम नहीं दे पाते हैं, ये खुद मेरा खुद का ये शिकायत है, बट अब ये शिकायत ख़त्म हो चुकी है क्योंकि मेरे हस्बैंड घर से ही अपना काम कर रहे हैं। सो बहुत से लोगों को गार्डनिंग का शौक़ होता है तो वो गार्डनिंग में अपना टाइम बिता सकते हैं, या बहुत से लोग कुकिंग का के शौकीन होते हैं तो वो कुकिंग में अपना टाइम दे। और बहुत से फीमेल्स लोगों का, ये मेरा भी खासकर ये शौक़ है अपने आप को हर लुक में देखने का, तो वो अपने रूप रंग को निखार सकते हैं। घर में हर तरह का बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको करके वो टाइम बिता सकते हैं। कहने का मतलब कि उनको घर में ही रहना है और घर में ही रह करके अपने फैमिली का देख रेख करें, अगल बगल जो भी है उनको सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही भेजें, नेगेटिव नहीं भेजें। और वैक्सीन इतनी अच्छी निकल चुकी है, जैसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन को लेकर के बहुत सा विचार है कि नहीं ये नहीं लेना चाहिए, इससे ये है वो है, तो प्लीज़ ये सब कुछ नहीं है। आराम से अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और वैक्सीन लीजिए। सबसे बड़ी बात कि दुनिया, लोग, समाज की नज़र में भले ही आप एक आम आदमी हैं बट आप अपनी फैमिली के लिए पूरी दुनिया हो। सो प्लीज़ आप अपने घर में सुरक्षित रहिए।